हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हमारी स्कॉर्पियन का Z4 वेरिएंट जो हमने लिया था उसमें एक बड़ी प्रॉब्लम आ गई है। बात यह है कि इसकी जो पीछे की लाइट है, अभी मैं आपको पीछे चल के दिखाता हूँ, जो बैक लाइट होती है, जो बैक करने पे पीछे इल्यूमिनेट होती है, वो इस समय काम नहीं कर रही। ये नीचे वाली जो लाइटें आप देख रहे हैं रिफ्लेक्टर के बगल में, वो काम नहीं कर रही। और साथ ही साथ इसके जो चारों सेंसर है वो भी कोई आउटपुट आपको यहाँ पे नहीं एक दिन दे रहा पहले है। की फुटेज दिखाता हूँ, इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या खराब है। ये नीचे का देखिए, बैक लाइट जली हुई है, गाड़ी अभी बैक भी होगी, ऊपर की लाइटें सही है, लेकिन जब पीछे बैक होती है तो वो लाइटें नहीं जलती हैं, तो वो इसमें खराबी है। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे, स्कॉर्पियन Z4 वेरिएंट में पीछे की तरफ कोई भी कैमरा नहीं आता। उसके साथ अगर मेरा रिफ्लेक्टर और सेंसर भी ख़राब हो जाए तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत पीछे हो रही है मुझे। तो इसको दिखाने के लिए आज हम चलेंगे महिंद्रा के शोरूम में और देखते हैं क्या इसका खर्चा बैठता है या फिर क्या ख़राबी इसमें है। यही देखने के लिए हम महिंद्रा के शोरूम में चल रहे हैं। मेरे ख्याल से मोस्ट प्रोबेबली सारा का सब कुछ पीछे से चेंज ही होगा, क्योंकि कपलर का काम होता है और वो आपका दोबारा फिर जुड़ते नहीं हैं तार। फिर अगर आपको छोटी छोटी भी तार अगर कहीं कट हुआ है तो वो फिर आपको बदलना ही पड़ेगा। महिंद्रा की ये मेरा सेकेंड एक्सपीरियंस रहेगा। इससे पहले मैंने 1000 की जो सर्विस कराई थी वो तो काफ़ी ठीक थी, लेकिन पहली बार मैं कुछ पैसे दे के सर्विस कराने जा रहा हूँ। यहाँ पे अभी आप, मैंने ऐसे हाईवे पर चल रहा था तो एवरेज कैलकुलेट करने के लिए सोचा तो 16 पॉइंट की एवरेज कुछ दिखा रहा है। यहाँ हमारे बनारस में वॉक फॉक्स ओजन के बगल में यहाँ पे आपको महिंद्रा का शोरूम मिल जाता है। इसके हम अंदर आप चलते हैं और देखते हैं क्या एक्सपीरियंस रहता है या फिर क्या खर्चा बैठता है और क्या प्रॉब्लम हो सकती है स्कॉर्पियो NZ4 वेरिएंट में। ये राज इंडिया का सर्विस सेंटर। अब भाई वर्कशॉप में रिकॉर्डिंग तो अलाउ नहीं होती, लेकिन मैं मैक्स ट्राई करूँगा कि मैं जितना भी मुझे फ्री टाइम मिलेगा उतना मैं रिकॉर्ड करूँगा और आप लोग को दिखाऊँ, और मैं फिर वीडियो में आपको खर्चा भी बताऊँगा कितना लगा। यार बात तो माननी पड़ेगी, महिंद्रा पहले कहाँ ऐसी जीप की तरह गाड़ियाँ बनाता था। एक बार इसको देखिए, अब महिंद्रा के शोरूम में आप आ जाइए, यहाँ पे आपको XUV 700 खड़ी मिलती है, इधर आपको स्कॉर्पियो एन का मिलती है, हम जिसमें बैठे हैं वो भी एक स्कॉर्पियो एन है। महिंद्रा ऐसे टेम्पूज भी बनाती है, और एक ऐसी पुरानी गाड़ियों से इतना डेवलप हो के आज ये कितनी प्रीमियम गाड़ियाँ बनाने में, महिंद्रा को एक लाइक तो बनता है इसी बात। भाई ये है वर्कशॉप के अंदर का व्यू, यहाँ पे हमारी गाड़ी को सबसे पहले ऊपर कर दिया गया है प्रेशर मशीन पे और नीचे से इंस्पेक्शन का काम हो रहा है। सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे मुझे यही लगी कि टाइम की, यार बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है महिंद्रा के शोरूम में। मैं 12 बजे आया था और मैं जब गाड़ी लेके गया तो 4:30 कुछ बज चुके थे। अब इसमें मैं प्रॉब्लम्स की बात करता हूँ कि आखिर इसमें प्रॉब्लम क्या आई है जिसकी वजह से पीछे के सेंसर और ये लाइटें काम नहीं कर रही हैं। तो इसमें जो प्रॉब्लम है वो है वायर कटिंग की प्रॉब्लम। एक चूहे ने मेरे वायर को पूरा, पीछे के जो सेंसर को और लाइटों को जोड़ता है इंजन के साथ और बाकी सब फंक्शन के साथ, उसको काट दिया है और जिसकी वजह से पीछे का कुछ काम नहीं कर रहा है। चूहों का आना जाना मेरी गाड़ी में लगा रहता था, पहले मैंने ध्यान नहीं दिया, फिर जब ध्यान गया तो फिर मैंने अलग अलग दवाइयाँ रखी, कुछ किया, अलग जगह खड़ा किया, तो इस समय तो नहीं आ रहा है, लेकिन बीच में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी। यही एक कारण था। अगर आपके पास कोई सलूशन हो चूहों से बचाने का तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा, मैं इससे बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। कस्टमर्स के बैठने की जगह की बात की जाए तो ऐसा कुछ यहाँ पे आपको बैठने की महिंद्रा के शोरूम में जगह मिल जाती है, आराम से आप बैठ सकते हैं और एक बड़ी सी स्क्रीन आपको टीवी देखने के लिए, अपना इंटरटेनमेंट के लिए लग जाती है, आराम से आप सोफे पैर रख के इंटरटेनमेंट ले सकते हैं, आपकी गाड़ी पीछे शोरूम में बनती रहेगी। यहाँ पे अपना काम गाड़ी का पूरा हो चुका है, अब जो बात करनी है वो गेट पास की है और इसके बाद हम बाहर निकल जाएंगे और आपके साथ प्राइस डिस्कस करेंगे। जो मेन प्रॉब्लम है यार महिंद्रा के शोरूम में वो है कि इसकी टाइम की, 12 बजे से 4:30 बज गया सिर्फ एक वायर जोड़ने में। अगर कुछ मेजर प्रॉब्लम आ जाए गाड़ी में तो आदमी का तो पसीना निकल जाएगा उसको बनवाने में शोरूम में। चलिए बाहर आ गए हैं, अब आपसे शेयर करते हैं कितना प्राइस लगा इस सर्विस का महिंद्रा की तरफ से। तो यहाँ पे सिर्फ मेरे 315 रुपये लगे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 20 रुपये की टेप और 250 रुपये का कुछ लेबर चार्ज और ऐसे कुछ और भी लगा हुआ है। अगर हम बात करें कि इसमें अगर वायर अगर चेंज होता, उन्होंने कहा कि अगर ये पहली बार काटा है चूका, अगर इससे 2-3 बार और काट देता है तो फिर आपका पूरी वायर ही चेंज होगी और जो वायर असेंबली है सेंसर से लेकर आगे तक की, वो आपकी 15,000 रुपीज़ का पड़ जाएगा। यही है कि गाड़ियों को चूहा से अब बहुत ज़्यादा बचाना पड़ेगा मुझे। वैसे अब जो पीछे की लाइटें और सेंसर वो काफ़ी अच्छा काम कर रही है, देखिए अब पीछे की लाइट आराम से अपना जल रही है और पीछे की लाइट स्कॉर्पियन की काफ़ी बढ़िया है। जो नीचे की रिफ्लेक्टर है इसको ख़राब होने पे एहसास होता है कितनी ज़्यादा ये ज़रूरी हो जाती हैं। यही था मेरी एक छोटी सी प्रॉब्लम स्कॉर्पियो एन में, एक छोटा सा वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसे और इन्फॉर्मेटिव कॉन्टेंट्स के लिए।